नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह से बनाया जाता है एंड एरिया के अकॉर्डिंग या फिजिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग नेटवर्क सिस्टम को कितने तरीके से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इस कंप्यूटर नेटवर्क में प्रिंटर, सर्वर और हार्डवेयर को शेयर किया जाता है एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के दौरान फाइलों का डेटा एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है। नेटवर्क कनेक्शन बनाने के लिए हम वायर केबल या विदाउट वायर केबल कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं, जो अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हमें नेटवर्क सिस्टम में एक्सेसिबिलिटी की परमिशन देती है, ताकि यूज़र डेटा को या इंटरनेट पर अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सके। यानी कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम एक ऐसा नेटवर्किंग सिस्टम है या एक ऐसा वर्क स्टेशन है जहां पर एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। जब इनको आपस में जोड़ा जाता है तो प्रिंटर, सर्वर, हार्डवेयर किसी से भी आप ट्रांसमिशन कर या कम्युनिकेशन कर अपनी फाइलों को ट्रांसफिट या फाइलों का ट्रांसफ़र कर सकते हो। सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम आर्पानेट ने डिज़ाइन किया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद टाइम टू टाइम चेंजेस के अकॉर्डिंग नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा अलग अलग कंट्रीज़ ने अपना नेटवर्क सिस्टम डिज़ाइन किया। नेटवर्क सिस्टम के टाइप, फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग नेटवर्क सिस्टम चार तरह से डिज़ाइन किए जा सकते हैं, जिसमें पहला जो नेटवर्क सिस्टम है वो है पैन, दूसरा है लैन, तीसरा है वैन और चौथा है आपका मैन। ये नेटवर्क सिस्टम अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होते हैं, जिनके थ्रू आप अपना पूरा नेटवर्क सिस्टम डिज़ाइन करते हो। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का मीन होता है वाइड एरिया नेटवर्क और पैन का मीन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क सिस्टम क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे से एरिया के लिए, एक सीमित क्षेत्र के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें डेटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रॉपर एक गाइडेड या एक केबल के अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। इस दौरान कनेक्शन बनाने के लिए आप बस टॉपोलॉजी या स्टार टॉपोलॉजी या अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग किसी भी तरह की नेटवर्क टॉपोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है। अगर आपको कम क्षेत्र के लिए, कम डिस्टेंस के लिए कोई नेटवर्क सिस्टम डिज़ाइन करना हो तो आप लोकल एरिया सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम का यूज़ कर सकते हो। जैसे किसी ऑफिस में, स्कूल की बिल्डिंग में, या आप जनरली किसी छोटे कॉलेज या एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह के नेटवर्क सिस्टम का यूज़ कर सकते हो। यह छोटे से नेटवर्क को, क्षेत्र को कवर करता है या छोटे से रूम के अकॉर्डिंग इनको कवरेज देता है। इस एरिया नेटवर्क सिस्टम में ट्रांसमिशन यानी डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत ही स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन होता है, और इस एरिया नेटवर्क में जो यूज़र की संख्या है वो भी लिमिटेड होती है। यानी अगर आपको ये कहा जाए कि 100 मीटर के दायरे में जो नेटवर्क सिस्टम बनाया जाता है वो लोकल एरिया नेटवर्क सिस्टम बनाया जाता है, और इस तरह की नेटवर्क सिस्टम
बनाने के लिए आप केबल का यूज़ करते हो। जनरली यह केबल जो होती है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ में ली जाती है। अगर आप थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाना चाहते हो तो आप इसमें इथरनेट टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि अगर किसी बड़ी सिटी के लिए आपने कोई नेटवर्क सिस्टम डिज़ाइन करना है तो आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सिस्टम का यूज़ करते हो। यह नेटवर्क सिस्टम वाइड एरिया नेटवर्क की तुलना में छोटा होता है और ट्रांसमिशन की जो रेट होती है वाइड एरिया से कम होती है, परंतु लैन से जो स्पीड मिलती है उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एरिया जो होता है 5 से 50 किलोमीटर तक का हो सकता है या का होता है। इसमें यूज़र की संख्या भी लिमिटेड होती है। यहाँ डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो गाइडेड और अनगाइडेड मीडियम का यूज़ किया जाता है वो एक शहर या बड़े कैंपस के लिए किया जा सकता है। उसी तरह से वाइड एरिया नेटवर्क सिस्टम, वाइड एरिया नेटवर्क सिस्टम एक ऐसे भौगोलिक एरिया के लिए डिज़ाइन किया जाता है जिसमें बहुत बड़ा एरिया कवर होता है। जैसे अगर आपको पूरे विश्व का नेटवर्क सिस्टम डिज़ाइन करना है तो आप वाइड एरिया नेटवर्क सिस्टम का यूज़ करते हो। इस एरिया नेटवर्क सिस्टम की जो स्पीड है लैन और मैन से बहुत कम होती है। ये एरिया नेटवर्क सिस्टम पूरे वर्ल्ड को एक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जोड़ता है तथा नेटवर्किंग के लिए या इंटरनेट की सफरिंग के लिए सर्विस प्रोवाइड कराता है। पैन एरिया नेटवर्क, यानी पैन का जो फुल फॉर्म है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। एक पैन को ऐसा एरिया नेटवर्क सिस्टम माना जाता है जिसमें केवल एक पर्सनल यूज़र द्वारा नेटवर्किंग डिज़ाइन की जाती है। साथ में यह अलाउ करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग किस तरह के डिवाइसेस को अटैच कर सकते हो, जैसे टैबलेट जोड़ना है, कंप्यूटर्स जोड़ने हैं, स्मार्टफोन जोड़ने हैं, कोई वॉचेस जोड़नी है। तो एक स्मॉल छोटे से एरिया के लिए अगर कोई नेटवर्किंग डिज़ाइन करनी है तो आप पैन नेटवर्क सिस्टम का यूज़ करते हो। इस तरह के नेटवर्क सिस्टम में हम इथरनेट, वाईफाई या ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। पैन की जो डिज़ाइनिंग होती है वो एक लिमिटेड होती है, यानी एक सिंगल यूज़र तक ही सिक्योर होती है। यानी इसके थ्रू जो भी नेटवर्किंग सिस्टम डिज़ाइन होता है वो ऑटोमेटिकली सिक्योर होता है, ऑथोराइज्ड होता है। यानी जब भी नेटवर्क एक्सेस होगा तो परमिशन के लिए कॉल करेगा, यानी जो भी होस्ट इस सिस्टम को डिज़ाइन करता है तो एक्सेसिबिलिटी के लिए हमें परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। इस तरह का जो एरिया नेटवर्क सिस्टम है वो पूरी तरह से सिक्योर होता है और आप आसानी से उसको रिकवर भी कर सकते हैं। इस तरह से हम अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग या भौतिक अवस्था के अकॉर्डिंग या फिजिकल एरिया के अकॉर्डिंग अपनी फैसिलिटी के लिए अलग अलग नेटवर्क सिस्टम का यूज़ करते हैं, जो हमें अपने अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग प्रॉपरली इंटरनेट का यूज़ करने की परमिशन देते हैं। यानी जब भी होस्ट या क्लाइंट या आप सर्वर पर डेटा को एक्सचेंज करोगे या नेटवर्क सिस्टम से डेटा को अराइज करवाओगे तब हमें नेटवर्क सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है, जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग हमें फैसिलिटी देते हैं और उसी दौरान हम नेटवर्किंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मान लो छोटा सा रूम है तो आप वाईफाई का भी यूज़ कर लेते हो, अगर मान लो एक ऑफिस है तो आप लैन का यूज़ भी कर लेते हो, देन अपने अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन होते हैं। तो ये हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम। थैंक यू।